सो हेलो गाइस, मैं अनित बाग स्वागत करता हूं फिर से मेरे एक नए ब्लॉग पे। तो कल शाम को दोस्तों मैं टाउन गया हुआ था क्योंकि टाउन पे कल गणेश पूजा का विसर्जन निकला। और टाउन का जो गणेश पूजा का विसर्जन जो निकलता है बहुत ही अच्छी तरह से निकलता है, बहुत सा आदमी यहां से जाते हैं देखने के लिए, तो वही मैं देखने गया हुआ था। और तो अभी आपको मैं दिखाता हूं कल का जो गणेश विसर्जन है वो अभी दिखाता हूं मैं आपको। तो सबसे पहला जो है दोस्तों कान्हा कन्हैया से मिल लीजिए। और आज यहां का मौसम कैसा है देखिए, कभी बारिश कभी धूप ऐसा मौसम लगे रहता है। तो अभी यहां पर ये प्लेन देख सकते हैं दोस्तों जा रहा है, कभी ना कभी तो इस प्लेन में ज़रूर सफ़र करूँगा मैं। रुको जरा, सबर करो। तो विसर्जन जो देखने गए थे दोस्तों सुभद्रा में और सना भांजी हम लोग तीनों गए थे। तो चलिए आइए मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ का जो विसर्जन है गणेश विसर्जन। तो अभी हम लोग फ़िलहाल निकल चुके हैं दोस्तों और विसर्जन जो है वो स्टेशन का उस साइड में होता है। तो अभी हम लोग ये स्टेशन का दूसरा साइड चले गए और विसर्जन अभी आने में थोड़ा सा टाइम लगा, इसीलिए अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग एक होटल तरफ चले गए। वहीं सामने में ही एक होटल है, सना भांजी नाश्ता खाऊंगी बोली, तो यहाँ पे देखिए समोसा ये सब नाश्ता उस्ता मैं मंगाया हूँ। और मुझे कुछ खाना नहीं है, वैसे तो मैं अपने लिए खाली एक चाय ऑर्डर किया था और सुभद्रा के लिए और सना भांजी के लिए ये नाश्ता ऑर्डर किया था। नाश्ता करने के बाद से फिर से हम लोग प्रोसेशन देखने ही जाएंगे यहीं सामने में ही। तो जैसा ही हम लोग नाश्ता किए, नाश्ता करने के बाद मैं रोड का इस साइड एक कोने में आके खड़ा हो गए क्योंकि जब प्रोसेशन में आता है तो भीड़ यहाँ पे बहुत भीड़ जम जाता है, उसीलिए एक कोना में ही हम लोग खड़ा हो गए दोस्तों। और अभी देखिए धीरे धीरे करके ये भीड़ भी जमा होना चालू हो चुका है और जितने पुलिस भाई साहब जो हैं इधर ट्रैफिक कंट्रोल में भी लगे हुए हैं क्योंकि एक साइड से प्रोसेशन आ रहा है, दूसरा साइड से ट्रैफिक को भी क्लियर करना है, उसीलिए ये जितने पुलिस भाई साहब हैं ये अपना ड्यूटी कर रहे हैं, ट्रैफिक को भी क्लियर कर रहे हैं। तो सबसे पहला दोस्तों यहाँ देखिए ये जो बाजा वाला का जो ग्रुप है ये लोगों का अभी आ रहा है और यहाँ पे ये प्रोसेशन में जितने भी ग्रुप आते हैं सब बाहर से ही आते हैं, झारसुगड़ा का बहुत कम रहते हैं और झारसुगड़ा बाहर से भी, उड़ीसा का बाहर से भी बहुत सा आते हैं जो कलाकार सब जो हैं, जैसे कि डांसर हुआ सिंगर हुआ ये सबको बाहर से मंगाते हैं जो ये कमेटी वाले, बड़ा कमेटी है। अभी यहाँ पर दोस्तों देखिए पटाखा फोड़ रहे हैं, ये पाइप का जरिया से ये पटाखा फोड़ते हैं, तो मुझे तो ये सबसे थोड़ा सा डर लगता है, उसीलिए मैं साइट हो गया था वहाँ से। बाजा वाला जाने का बाद दोस्तों देखिए ये दूसरा ग्रुप है जिसमें कि करीब मुझे तो लग रहा है कि 150 से 200 होंगे शायद। दूसरा ग्रुप जाने के बाद दोस्तों ये तीसरा ग्रुप है, तो ऐसे ही लाइन बाय लाइन सब आते रहेंगे, आप पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों घर से शाम को 8 बजे निकले हैं ये प्रोसेशन देखने के लिए
और यहाँ करीब 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा ये प्रोसेशन जब ख़त्म होगा। और जिस तरह से आप ये गणेश पूजा का प्रोसेशन देख रहे हैं उसी तरह से यहाँ पे दुर्गा पूजा का भी प्रोसेशन निकलता है और इससे भी और ही ज़्यादा अच्छा निकलता है यहाँ पे ये प्रोसेशन। ऐसे सब जमा होते हैं यहाँ पर और यहाँ पे आपको मैं अभी जूम करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये हनुमान जी का वेशभूषा में है तो चलिए दोस्तों अभी मैं आपको भगवान श्री गणेश का दर्शन करवाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये भगवान श्री गणेश का कितना बड़ा मूर्ति है यहाँ पे और कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऋषि मुनि का रूप धारण किया है तो कोई भगवान शिव का रूप धारण किया हुआ है। ये सब कलाकार हैं जो मेरा ख्याल से शायद उड़ीसा का बाहर से आए हैं ऐसा लग रहा है मुझे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो पूरा देखिएगा दोस्तों। और अभी आप जो ये 5वां नंबर जो देख रहे हैं दोस्तों ये भजन मंडली है, भजन प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे। और ये आइटम जो आप देख रहे हैं ये मुझे अच्छा लगा दोस्तों, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। को ले चलता हूं दोस्तों भगवान श्री हनुमान का वेशभूषा में कैसा रूप धारण किए हैं देखिए। पूरा फूल उनके साथ में बैठा के पूरा सजा दिए हैं, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो
दोस्तों मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है